तो फाइनली गाइज मैं लोकेशन पे आ चुका हूँ और मेरे साथ कौन है? हेलो गाइज, आई एम सन्नी। यहाँ पर आए हैं क्या करने आए हैं बता? सरप्राइज लेने आए हैं सलोनी के लिए। हम थोड़ा सा एक छोटा सा नोना सा मुन्ना सा एक छोटा सा गिफ्ट लेने के लिए आए। छोटी छोटी बातों में ही खुशियां होती हैं। सो हम बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं कि क्या लेने वाले हैं हम। माय गॉड, मेरे को परीक्षित दिखा। ये रहा परीक्षित, दिख रहा है ना आपको परीक्षित? ये भी दिखा। नहीं, ये तो क्यूट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। देखो जुराब, एक मिनट खोल। ये देखो जुराब में से फटी हुई और किसी को पता नहीं चला। अपने पुराने जूते रखा है, नए जूते लिया। जैसे मंदिर में करते थे ना बचपन में, ये करता था, पर अब इसने मॉलों में करना भी सीख लिया। ले ले। नहीं, ये पसंद आएगा मुझे पता। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, ये मैं ले लूं? हाँ ले लो। आप तो कमेंट कर दो आपके क्या पैसे मिले। कैसे कैसे बदतमीज लोग हो यार आप। मजा आया। इसका हर बार का यही हाल है, एक जाता कुछ और करने, करने कुछ और लग जाता। देखो कैसी लग रही, जैसी भी लग रही। तू करने क्या आया था? गिफ्ट ये तो अपने लिए ले रहा है। गिफ्ट सिर्फ मैं अपने लिए ले रहा हूँ। पता क्या होगा, ये पहनेगा फिर मैं पहनूंगा, फिर आप कमेंट करोगे ये उसकी भाई मेरी। ऐसा करते हैं ना, पैसे लगाने से अच्छा ना हम ये खेल लेते हैं। उसके भी पैसे लगते हैं, खेलने के भी पैसे हैं। इसके पैसे और कैसे फिर नहीं खेलने। एक अटेम्प्ट में ये गेम मैं पूरा गिरा दूंगा। 150 रुपए का ये गेम है। हाँ मिलेगा भी, ये 150 रुपए की चीज मिलेगी। मुझे क्या मिल रहा है? कुछ अच्छा बड़ा सा कुछ देना मुझे। कुछ तरीका है भीख मांगने? आयुष यहीं से जा रहा है घर अपने। इसमें क्लची नहीं है, इसमें वो ब्रेक भी नहीं है। ऐसे लड़कियां ब्रेक लगाती ना, मैं ऐसे ब्रेक लगाऊंगा। टंकी खोलने के लिए मैं आपको कोड बताता हूँ। उसका कोड है 8025। तो जब भी फन सिटी आए तो इस कोड से टंकी खोल के पेट्रोल चुरा सकते हैं आप। कुछ भी। ये देखिए परीक्षित को अमीर सोफा यहाँ दिख गया, ले लिया। अगर रात में समझ जाकर ये सोफा यहाँ से गया हुआ तो परीक्षित ने चुरा लिया। ये देखो परीक्षित ने बैठ के फाड़ दिया। ये हर चीज फाड़ देता क्योंकि इसकी खुद की फटी हुई है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। ये बताऊँ क्या कह रहा था कि इस सोफे पे बैठ के मैं समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। परीक्षित ये वाला टेडी बियर ले चलते हैं अपन। तो मेरे से बड़ा है, हमने ये डिसाइड किया कि हम ये वाला टेडी बियर लेने वाले हैं। ये सॉरी, ये तो प्लास्टिक का निकला। कालू के पापा मिले, मम्मी भी यही, मम्मी पास बैठी, पापा ये बैठे हैं नीचे बैठ के कुछ ना कुछ करते हैं। गंदी ये तेरे जैसे है ना, बिल्कुल तेरे जैसे नहीं है। ओ, पापा पापा फिसल गए। पापा मम्मी को देखे, मम्मी शर्मा रही। देखे पर ये छोटा सा नहीं लग रहा बहुत? बस ये कपड़े फाड़ के मैं पहन सकता हूँ और मैं बड़ा बन जाऊंगा। मेरे जैसा लग रहा ना, बहुत क्यूट क्यूट सा लग रहा है। मेरे जैसा गैंडा लग रहा है, गैंडा। और जब ये पाद मारता ना तेरे से बदबू ज्यादा पाद मारता है। कोई प्लीज मुझे ये दिला दो, मेरे को बड़ा पसंद आ रहा है। मैं इसके ऊपर रोज सोया कर, नहीं इसके ऊपर नहीं, इसके पास सोया, इसके पास सोया। ऊपर गंदा लग रहा है? ऊपर गंदा नहीं, मतलब अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट। हाँ ये कर लो पहले। तो फाइनली गाइस हमने गिफ्ट ले लिया है तो, और हम बहुत ज्यादा थक गए हैं और रात हो गई। तो अब हम आज सोचा था हमने जाने का, पर हम कल ही जाएंगे और सलोनी को सरप्राइज देंगे। और आप लोग भी वेट करो कि सरप्राइज क्या होने वाला है, आगे वीडियो में बने रहना। गाइस हम सलोनी के घर पहुंच चुके हैं और ये तू भौंक ले पहले, मेरे को भौंक लेने दो यार। नहीं क्या कर रहा है? इनने मेरे से मजदूरी करा लिया, मेरी दिहाड़ी नहीं दी है, मैं बहुत परेशान हूं। चलो चलो चलो। ये सलोनी का हमने पूरा गिफ्ट पैक करा लिया। आप लोगों को गैस करना है इसमें कितना बड़ा टेडी और कौन से कलर का टेडी, तो इसमें कमेंट करके बता दो। जल्दी इमलू को कॉल कर, हम इमलू को कॉल करने वाले। उसको पहले से बता रखा हमने सरप्राइज के बारे में, ये आने में 10 घंटे लगाता है। आ जा। सो अभी एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी आ गए, जल्दी आओ बेटा अंदर। हमने ये डिसाइड करा कि हम सीधे छत पर जाएंगे, सलोनी को नहीं बताना, बताना मत, आवाज बिना करेगा, अपन सीधे छत पर जाएंगे और वहां पर सरप्राइज देने वाले हैं। हमने ये बताया उसको कि हम आज रील बनाने वाले हैं। अंदर फ्लैट में जाते हैं पर हम डायरेक्ट सीधे आज छत पर जाएंगे और उसके देंगे यहीं आ जाए, लेट हो चुके हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा, उससे कॉल आ रहा है कि कब से कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, इसलिए लेट हो चुके हैं। तो सीधे चलते हैं छत पर। हम इतने धीरे धीरे आवाज में आए ना क्योंकि ताकि उसको पता ना चल जाए कोई ऊपर जा रहा है। वैसे तो बहुत लोग रहते हैं इस घर में, पता क्या चलेगा, पर हम चुपचाप आ गए बिना आवाज करें। कितनी बड़ी मुश्किल से टैडी मिला। ये टैडी ना होगा, पता नहीं क्या होगा, भालू हो गया, जिंदा भालू लेके घूम रहे थे हम आज। और ये भी मेरे को बहुत दिल में धकता है, उसको गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं आएगा। होप सो आएगा, आएगा, पसंद आ जाए। बहुत मेहनत करी है मैंने ढूंढने में। जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। बैठा हुआ था तो ढूंढ ले आई, ढूंढ ले, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा ये टेडी। जल्दी जा और चुपचाप उसको कुछ मत बताना। हंस कह रहा बताना नहीं है, नहीं बताना, कोई पता नहीं चलना चाहिए उसको, कैसे भी हंसी मसी कुछ नहीं, क्योंकि ये ऐसा हंस देता है उसको कुछ शक हो जाएगा। तो तू सीधे लेके रील बनानी और जल्दी ऐसे बोलना, जल्दी चलो ऊपर। ठीक है ठीक, ठीक है। सो मैं बस एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसको पसंद आ जाए और उसको अच्छा लगेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा।
जल्दी से आ जा, मेरे को वेट नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को मैं चाहता हूँ इसका रिएक्शन देखना कि कैसा उसका रिएक्शन होगा। लगता सरप्राइज। ए ये कौन आ गया, चलो वापस। सलोनी कहाँ है? आ रही है वो धीरे धीरे। यार ये पूरा सरप्राइज प्लान बेकार कर देगा। चलिए उधर खड़ा हो जा जल्दी। A few moments later. La 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 la. ये कैसा रिएक्शन? ये कैसा रिएक्शन है? मैं इतना अच्छा सरप्राइज कर रहा हूँ यार, ये क्या है? ऐसा रिएक्शन कौन देता है? मिल गया? नहीं, वो जो चिड़िया जो ऊपर चीले चिल्ला रही ना उनके लिए गिफ्ट है। इसमें गैस कर क्या होगा? राम अरे इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। ये मैं ले लायो? हाँ 600 निकला ना तुम्हारे लिए। पर ये आज क्यों ऐसे, क्या हो गया? ऐसे ही मेरा मन करा के थोड़ा सा तेरे साथ कुछ। खोल तो सही। अगर इसमें कुछ नहीं अच्छा निकला ना और प्रैंक हुआ, खोल तो सही उसको। अरे 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 कहाँ जा रही है? उसको पूरा खोल अच्छे से। बच्चा पागल हो गया कोई? मेरे से कभी नहीं पूछता ये। कैसा लगा? कितना बड़ा है? देख तेर से बड़ा है, तेर से भी बड़ा है। ओ मेरे से भी। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए प्लीज मत काटना मेरे। मुझे क्यों बता, उनको बता। क्या टेडी बियर लाने के बाद भी मैं पिट रहा हूँ? मैं इसलिए लेके आया हूँ टेडी बियर, मेरा एक ही मकसद था टेडी बियर लाने का। जो पिटाई मेरी होती है वो पिटाई प्लीज स्टीव ऑफ। क्यों होगी इतना? ऐसा पहली बार देखा किसी के लिए टेडी बियर लाओ ये तेरी डिलीवरी करने जा रहा है। अब मैं टैडी को अपने पास रखूंगा, इसकी डिलीवरी कर दूंगा मैं। ये बताओ झूला दो, ऑडियंस गुस्सा हो जाएगी अगर इसने नहीं बताया टेडी बियर क्या। मेरे को झूला चाहिए फिर ताऊ। झूला कैसा झूला? वहां से वहां तक लेके जा। इंसान इतनी दूर से इतना भारी भालू लेकर आया फिर भी इसे झूला झूलना। चलो कोई नहीं, आज इसका इसको खुशी दे देता हूँ। ये रोती क्यों है इतना? लड़की है ना, खुशी वाली चीज में भी रो रही है, दुख वाली चीज़ में भी रो रही है। रोने लगती है हर चीज में, तो रोने लगती है, समझ नहीं आता। बस चुप मत करो, रो। रोती है, मारती है, सरप्राइज दो तो मारती है, गिफ्ट दो तो मारती है, कुछ ना दो तो मारती है। आयुष बना ही पिटने के लिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? नहीं कुछ नहीं, पहला रोया मत था, ठीक है? रोती हुई अच्छी लगती है, ठीक है? फोर्स तो सही ढंग से ऐसे करता। अभी ऐसे करता ना, मैं मेरा मेकअप में निकल मम्मी मार दूंगी, ऐसे बोलती भाई। लड़कियों को मेकअप भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, दिल की सारी बातें पता होती है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो अपन मुझे, ले आया मुझे एक, मेरे दिल की एक बात नहीं पता, फिर मुझे एक बहुत बड़ी कार चाहिए। अपन लाएंगे कार ऐसी वाली जिसमें से आसमान दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। थैंक यू सो मच। बहुत कितना ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, मुझसे भी ज्यादा अच्छा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अभी जैकेट दो ना, इधर दो ना, चल
अब कालू के कपड़े थे, अब इसके भी तो कपड़े आएंगे। प्लीज गाइस मुझे मेरे कपड़े वापस दिलवा दीजिए, आप लोग ही दिलवा सकते हैं। कमेंट करके लिख देना आयुष के कपड़े वापस कर दो प्लीज, वो मेरी जैकेट फट जाएगी। मैं पतला दुबला इंसान, वो हाथी का बच्चा, तेरा मालिक है वो, क्या कर, सॉरी बोल उसे। अभी मेरा ऐसे मिल आए, इसलिए कहता हूँ किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, गिफ्ट दोगे तो आपके साथ बुरा होगा। कह रही जैकेट सस्ती लग रही है, जैकेट है ही सस्ती है ना, घूंगा बोला। अब हम नीचे जा रहे हैं, टेडी बियर को चाय पानी पिलाई जाएगी, तो अभी वीडियो में पूरे बने रहना क्योंकि अभी बहुत सारी मस्ती बाकी है। ओ भाई मुझे मारो, इतना बड़ा टेडी है ये तो, मैं कैसे संभालूं, और अभी मुझे इससे बड़ा भी चाहिए। यू वॉन्ट टू गो इन माई रूम, प्यार से चलो, अपने आप उतरना बे। अरे आयुष की हो रही थी ना बात, तो टैडी बोल लेके आया। तुम नीचे बैठो, इतने अच्छे अच्छे मैट लगाए, यही रह गया हमारी जिंदगी में, हम नीचे बैठे हैं, टेडी बियर ऊपर बैठेगा। वैसे परीक्षा तू बहुत सही जगह बैठे, तू ऐसे कह इसके पैर दबाओ। टेडी बियर ऊपर से आया, थक गया होगा तो परीक्षा एक बार पैर दबाओ। आप दूसरा पैर भी है ना, उसके एक पैर में ज्यादा दर्द हो रहा था, वो दूसरे पैर में आओ, आप भी आओ, दूसरा पैर दबाओ। चलो कितनी सैलरी मिलेगी इसकी, कड़ाके निकाल लूंगा इसके। आयुष मैं तुम लोगों के कड़ाके निकाल लूंगी। टेडी बियर की चड्डी लगने लग गई है तो मुझे कोई ना, मैं टेडी बियर से दूर रहो। मेरा हो गया एक दिन में मेरा, ये मेरे लिए लाए थे। अगर इसको तूने टेडी बियर को हरा दिया तो मान जाऊंगा मैं कुश्ती में। परीक्षा तो और इसकी फाइट होने वाली, देखते हैं कौन जीता। ये पहला शॉट मारते हुआ और ये घूम घूम घूम, ये ना टैडी ओवर एक्टिंग कर रहा है, टैडी के बहाने। ये मुझे उल्टा करने, ये कुछ और करने की कोशिश कर रहा है टैडी के साथ, ये कुछ और करना चाहता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी चैलेंज दे रही हूँ, एक इसको चीज करनी है, एक चीज तुम्हें करनी है, इसे एज ए वुमन ट्रीट करना है। इसको बताऊं बहुत देर से, अभी मैंने देखा पानी पिचकारियां मार रहा है, तो इसको सूसू करा के लाऊंगा मैं। अगर मैं इसको कभी बाहर लेके गया ना, तो मेरे को मतलब पुलिस पकड़ लेगी, कहेगी ये भालू कहाँ से, इतना बड़ा भालू कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, मेरे को दिख नहीं रहा सामने कुछ। गंदा नहीं होना चाहिए बस, ये हम भी आए अंदर नहीं, अभी थोड़ी देर टॉयलेट करेगा उसको, अवाई का हंसी आ रही है तुझे, बहुत हंसी आ रही है उसके टीम में तू। तो आज के बाद वॉशरूम में ये ऐसे बैठा रहा करेगा, और ऐसे बैठा रहूंगा उसका। ओए फीलिंग तो है इसमें, सरोनी बाहर निकल यार, ऐसे प्राइवेसी डिस्टर्ब मत करो, आप टेडी बियर की प्राइवेसी। गिलास लेके ये देखो, टेस्ट लेगी उसको, उसको सब देखना चाहते हैं उसका, आके दिखा। छी 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 छी, खुल गया। हो गया, ऐसे धुल गया मेरा चैलेंज कंप्लीट। चलो भाई मेरा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, आप कमेंट करके बता दो हंसी आई कि नहीं आई, आई ना हंसी। परीक्षा तुम्हारा चैलेंज ये तुम जानो, बड़ा प्यार है ये, देखो प्रोडक्शन बढ़ा दिया, मूड मूड बन रहा है। मैं इसके प्रोटेक्शन में रहूंगा क्योंकि मेरे को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है उसके साथ। आओ जानू, फोर टाइम हो गया हमें अकेले नहीं मिले, कैसा असली लड़का है ये, कहां थे इतने दिन से, इधर आओ। क्या प्रेग्नेंट हो गए हो क्या, छोटे नन्हे नन्हे टेडी निकलेंगे। हंसी आई ना, मैंने हलाया ये, इतना असली बंदा है, इतना असली बंदा है, ये मैं डाल नहीं सकता यूट्यूब पे क्योंकि इतनी अश्लीलता है, बल्कि कमेंट्स आएंगे। इनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ परीक्षित अभी सालसा करेगा इसके साथ, आयुष गाना गाएगा, तो आप सब लोग प्लीज भागना मत, प्लीज लोग भागना मत क्योंकि मेरा गाना बहुत ही ज्यादा सुरीला होता है। दारू बदनाम कर दी किते किते किते, ओ दारू पी ली, ओ ओ ओ ओ दारू इज अ वैली 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 वैली, टेडी बियर इज अली, अली को दारू पिलाई, दारू को अली पिलाई, दारू ने मुत के कर दिया हगु हगु हगु, टेडी बियर इज अ इज अ इज अ इज अ, टेडी बियर इज अ इज अ इज अ, ओ ये क्या कर रहा है,
ऐसा डांस मेरे को करवाने नहीं, टेलीविजन बहुत ये सब नहीं दिखता हुआ सकता, सो प्लीज मैं इसको मैं पर्दे बंद करना चाहूंगा। नहीं मैं इसको पर्दे बंद करना चाहूंगा, बहुत गलत हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये पर्दे बंद हो जाए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? इसको कहते हैं मूत्र विसर्जन। टैडी का सुसु था, परीक्षित ने चाट लिया, परीक्षित ने ऐसे चाटा जो बहुत स्वाद था। सही में फाड़ दिया इसने पनीर पनीर। मैंने नहीं फाड़ा, ओ खुद इधर आइए इधर आइए। परीक्षित ने देखो क्या करा, अभी टैडी फाड़ दिया, अभी नया नया आया था। परीक्षित ने आज तक अपनी होली सिलवाई, तो ये क्या सिलवाया? इसीलिए भी है पिटाई होने वाली, तो मैं बंद कर रहा हूँ, अकेले में पिटूंगा मैं। गाइस आप लोगों को ये सरप्राइज कैसा लगा आप कमेंट करके बता देना, और सलोनी तेरे को कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज्यादा क्यूट लगा, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। और एक चीज आपको बताता हूँ, आपको ये टेडी बियर कैसा लगा, और इसका आप जो नाम आप सारे लोग कमेंट करके बताओ वही नाम रख इसका टेडी बियर का हम रखेंगे। और इस वीडियो पे 100,000 लाइक आ जाने चाहिए, और आपको इसको कमेंट करके बताना इसका नाम क्या रखें, 5,000 कमेंट्स हो जाने चाहिए। एंड इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना, इतना ज्यादा शेयर करना जो सारी लड़कियां जल जाए। और हैप्पी टेडी बियर डे भी आ रहा, तो उनको भी शेयर करना। एक चीज है पर आप लोगों से गुस्सा हूँ, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब लाल बटन दबाना है, इसको दबा दो और जल्दी से इस वीडियो तक। एंड एक और सरप्राइज आ रहा है, नहीं बताना था, चुप रहा वो वी लव यू ऑल गाइस।